हाय, दिस इज केतन फ्रॉम आईडीसी। दोस्तों, एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 17.5 डेवलपर बेटा 3 और ये मेरे iPhone 14 Pro पे 632 MB के अराउंड देखने को मिलता है। दोस्तों, अपडेट से पहले मेरे iPhone 14 Pro पे अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 56 GB थी, जो अपडेट के बाद थोड़ी सी बढ़ गई है और नाउ अभी है अराउंड 60.69 GB। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि मैंने नोटिस किया है कि अपडेट के बाद ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, बाद में थोड़ी सी घट जाती है। सो आई होप स्टेबल वर्जन में ये इश्यू फिक्स हो जाएगा। साथ ही iOS 17.5 बेटा 3 में आपको एक नया मॉडेम फर्मवेयर भी देखने को मिलता है, जो कि है 2.60.02। तो अगर आपको बेटा 2 के साथ नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इश्यू था तो वो इश्यू बेटा 3 के साथ फिक्स हो गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें iOS 17.5 बेटा 3 के न्यू फीचर्स की, अगर आप US में है तो नाउ अब आप एप्पल यूनिवर्सल लिंक के साथ ई सिम इजिली इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये एक नया फीचर है जो एप्पल ने iOS 17.5 बेटा 3 के साथ इंट्रोड्यूस किया है। मोरन, अगर आप EU कंट्री से बिलोंग करते हैं तो साइड लोडिंग को लेके आपके लिए एक और अपडेट है। अगर आप EU कंट्री का हिस्सा हैं तो आपके लिए एक नया एप स्टोर आ गया है ऑल स्टोर, जिसके हेल्प से आप अपने आईफोन में एप्पल के गाइडलाइन के हिसाब से साइड लोडिंग कर पाएंगे। बट ये स्टोर फ्री नहीं है, इसके लिए आपको मंथली या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा और ये ओनली यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए ही अवेलेबल है। एज यू कैन सी, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप स्टोर है। साथ ही EU कंट्रीज और साइड लोडिंग को लेके एक और अपडेट है। नाउ अगर आप EU कंट्रीज में हैं तो आपको ऐप स्टोर के अंदर एक नया सेक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि है ऐप इंस्टॉलेशन। इस सेक्शन के अंदर आपको साइड लोड की गई ऐप के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि एप्लीकेशन का डेवलपर कौन है, एप्लीकेशन का वर्जन क्या है, साथ ही ऐप कहां से डाउनलोड किया गया है, ऐप स्टोर से या फिर किसी अल्टरनेटिव स्टोर से। तो अगर आप EU कंट्री में है तो iOS 17.5 बेटा 3 के साथ आपको ऐप स्टोर के अंदर ये ऐप इंस्टॉलेशन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। नाउ iOS 17.5 बेटा 3 के साथ कोई भी एडिशनल फीचर्स नहीं है, तो स्टॉप वॉच रिलेटेड जो भी बग था वो एज इट इज है, ये अब भी डायनामिक आइलैंड में मिनिमाइज नहीं होता। साथ ही एप्पल ने बेटा 3 के साथ जो फीचर्स एज इट इज रखे हैं, उनमें से एक है ये पॉडकास्ट विजिट वाला फीचर, जो अभी भी एज यू कैन सी काफी अच्छे से वर्क करता है। ये आपके एल्बम का कलर एडॉप्ट करता है। एप्पल ने यहाँ पे कौन कौन से बग फिक्स किए हैं वो जानने के लिए अगर हम रिलीज नोट में जाए तो यहाँ पे ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी को लेके एक मेजर इश्यू फिक्स हुआ है, जहाँ पे यूजर को ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी का कंसेंट आने से पहले ही ये डिनाई हो जाता था। साथ ही एप्पल ने यहाँ पे स्टोर के रिलेटेड इश्यूज भी फिक्स किए हैं। हालांकि वॉलपेपर रिलेटेड एक नॉन इश्यू अब भी बेटा 3 के साथ बना हुआ है, जो अपकमिंग बेटा में आई थिंक फिक्स हो जाएगा। दोस्तों, iOS 17.5 बेटा 3 में अगर हम Geekbench के थ्रू परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो एज यू कैन सी बेटा 2 के कंपेयर में बेटा 3 में आपको बोथ सिंगल स्कोर एंड मल्टी स्कोर अप देखने को मिलता है। सो यहाँ पे CPU रिलेटेड थोड़ा सा परफॉर्मेंस बूस्ट हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम मेटल स्कोर चेक करें, इसका मेटल स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर है और आप ये बोल सकते हैं कि iOS 17.5 बेटा 3 में इसका परफॉर्मेंस एज इट इज है। साथ ही जनरल परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे iPhone 14 Pro में मुझे अब तक कोई भी लैग या फिर स्टटर देखने को नहीं मिला। सो आई थिंक इस बार के बेटा काफी ज्यादा स्टेबल है और मुझे अब तक कोई भी ऐसा कोई क्रैश या फिर सीरियस बग देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से iOS 17.5 बेटा 4 आपको नेक्स्ट वीक 30th अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मई 7th को एप्पल का लेट लूज इवेंट है, जिसमें आपको नए iPads देखने को मिल सकते हैं। तो इवेंट के बाद आपको पॉसिबली iOS 17.5 का RC वर्जन देखने को मिल सकता है और उसके बाद नेक्स्ट वीक 13th को आपको iOS 17.5 का फाइनल रिलीज देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको iOS 17.5 बेटा 3 आपके आईफोन में डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं? तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, अगर आप स्टेबल वर्जन पे हैं तो आपको स्टेबल वर्जन पे ही रहना चाहिए, क्योंकि iOS 17.5 में आपको मोस्ट ऑफ द फीचर्स EU कंट्रीज के लिए देखने को मिलते हैं और इंडिया में अब तक कोई भी काम का फीचर इस अपडेट के साथ देखने को नहीं मिला। बट अगर आप iOS 17.5 बेटा 2 या फिर बेटा 1 के साथ चल रहे हैं तो आपको डेफिनेटली iOS 17.5 बेटा 3 डाउनलोड इंस्टॉल करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा देन प्लीज वीडियो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और iOS अपडेट के साथ अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।